सभी दलों से चुने हुए प्रतिनिधियों सहित सत्तारूढ़ दल के नेताओं के लिए सरकारी सुरक्षाकर्मी यानी गनमैन रखना प्रतिष्ठा का प्रतीक यानी स्टेटस सिंबल बन गया है। गाड़ी से लाल बत्ती हटाए जाने के बाद तो शायद ही कोई चुना हुआ प्रतिनिधि सुरक्षाकर्मी के बगैर सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेता हो, मगर NIT फरीदाबाद से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने राज्य सरकार को अपने दोनों सुरक्षाकर्मी वापस कर दिए हैं। नीरज शर्मा ने राज्य के गृह मंत्री अनिल विज को पत्र लिखकर अपने दोनों सुरक्षाकर्मी स्वेच्छा से तत्काल वापस करने संबंधी पत्र लिखा। इस पत्र की प्रतिलिपि उन्होंने पुलिस महानिदेशक मनोज यादव को भी भेजी। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कांग्रेस विधायक की इस पहल का स्वागत किया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से दोनों सुरक्षाकर्मी वापस लेने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही नीरज शर्मा के निवास के संबंधित थाना सारण में आदेश प्रेरित किए हैं कि जब भी विधायक को किसी जरूरी काम से सुरक्षा चाहिए तभी उन्हें उपलब्ध करा दी जाए। नीरज शर्मा ने बताया कि एक सुरक्षाकर्मी पर करीब 50,000 रुपये प्रतिमाह खर्च आता है। एक विधायक को दो सुरक्षाकर्मी मिले हुए हैं, इस तरह एक विधायक की सुरक्षा पर प्रतिमाह 1,00,000 रुपये खर्च होता है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर विधायकों के लिए सुरक्षा के नाम पर मिलने वाले सुरक्षाकर्मी को अपने साथ रखने में मुसीबत झेलनी पड़ती है, जबकि कुछ विधायकों को छोड़कर ज़्यादा कुछ सुरक्षाकर्मियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से दोनों सुरक्षाकर्मी वापस लौटाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक का यह निर्णय भी बेहतर है कि मैं जरूरत पड़ने पर अपने संबंधी पुलिस थाना सारण से सुरक्षाकर्मी कभी भी ले सकता हूं। करीब 20 वर्ष पहले विधायकों के लिए सुरक्षाकर्मी लेने की यही व्यवस्था हुआ करती थी। मित्रों नमस्कार, आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दिन अखबार में संपादकीय पेज पे आपके भाई आपके बेटे का नाम लिखा और जो मन में मेरे विचार आया था कि मुझे अपने सुरक्षाकर्मी वापस करने चाहिए, क्योंकि आज हर स्टेट में पुलिस में स्टाफ की कमी है, सुरक्षाकर्मियों की कमी है, थाने में लोगों की कमी है, और क्योंकि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम ही जनता के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। इससे पहले मैंने अपना आने जाने का TA भी त्यागा था और मैं चंडीगढ़ अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आता जाता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस अच्छी मुहिम में मेरा साथ दें और बाकी लोगों को भी प्रेरित करें। मेरा ये मानना है हम चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जनसेवकों को जब तक जरूरत ना हो, सरकार हमें चाहे कोई भी सुविधा दे रही हो, हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ जरूरत है तो हमें उस चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने आपकी सूचनार्थ ये अखबार की कटिंग भी भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई आपका बेटा नीरज शर्मा, विधायक NIT 86 फरीदाबाद। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।